जैसा कि आप जानते हैं, ये फिल्म अभी रिलीज हुई और रिलीज जैसे ही हुई वैसे ही सोशल मीडिया पर इस फिल्म का काफी भद्दा मजाक बनाया गया। फैंस को आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख की जो एक्टिंग है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो वहीं आपको बता दे, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आमिर और अमिताभ बच्चन का मजाक उड़ाया जा रहा है वो वाकई काफी ज्यादा शॉकिंग था। और अब फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को बॉलीवुड के एक और एक्टर ने इस फिल्म को लेकर काफी बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट सुगन और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी के बारे में। सुनील शेट्टी अब भले ही बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई ना देते हो, लेकिन अपनी राय वो हमेशा सामने रखते हुए नजर आते हैं। और हाल ही में सुनील शेट्टी ने अमिताभ बच्चन और आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर एक काफी चौंकाने वाला बयान दे दिया। अब सुनील शेट्टी ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद से उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान हाल ही में रिलीज की गई। ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई वैसे ही दर्शकों से मिला रिस्पॉन्स काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। आमिर और अमिताभ बच्चन की ये फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज होते ही बुरी तरह फ्लॉप हो गई। हालांकि इस फिल्म में पैसे तो खूब कमाए, लेकिन रिव्यूज के मामले में ये फिल्म काफी ज्यादा पीछे रह गई और दर्शकों ने इस फिल्म को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी आमिर, अमिताभ समेत कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख को भी ट्रॉल किया जा रहा है और पूरी टीम ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की पूरी टीम को भी ट्रॉल किया जा रहा है। तो इसी बीच बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी, जो अब बॉलीवुड में तो दिखाई नहीं देते, लेकिन हाल ही में सुनील शेट्टी एक इवेंट में पहुंचे थे जहां पर उन्होंने इवेंट को लेकर कई सारी बातें करी, फिटनेस को लेकर कई सारी बातें करी। लेकिन इसी बीच उनसे आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने काफी ज्यादा चौंकाने वाला जवाब दिया। तो वहीं उन्होंने बॉलीवुड के रोमांस किंग यानी कि शाहरुख खान की भी अपकमिंग फिल्म जीरो को लेकर अपनी एक्साइटमेंट दिखाई है। तो फिर बिना देरी किए देखिए क्या कुछ कहा सुनील शेट्टी ने अमिताभ, आमिर की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और शाहरुख की अपकमिंग फिल्म जीरो को लेकर। And they've loved the film. They're saying, यार पैसा वसूल है, जो साइज है, जो कैनवस है, एक्सपेक्टेशंस हमारे बहुत सारे बहुत ज़्यादा ही हो गए। हम सब अपने आप को क्रिटिक समझते हैं, सब समझते हैं कि हमको सब मालूम है एंटरटेनमेंट के बारे में। आई थिंक एक मौका देना चाहिए हमेशा हर फिल्म को कि वो रिलीज़ हो, ऑडियंस का रिएक्शन आवे, ना कि हम झपट के किसी को गिराने की कोशिश करें। तो whoever seen even thugs has loved the film. So I don't understand why there's such a hoo-ha of everything. But as far as Zero is concerned, I have a very strong feeling it's going to work magic. What's your next project? Zero ka trailer aapne dekha hoga, kya? Yeah, I love the trailer of Zero, and I think this is going to be one of Shahrukh's biggest. I'm not saying it because the camera's in front of me, but I genuinely feel he's performed brilliantly. Jo attitude uska hai, you know, even because of his size, वो कॉम्प्लेक्स के साथ जब किसी को एक एटीट्यूड आती है, वो न्यूएंसेस वो कैरेक्टर के कैप्चर किए। आई थिंक दिस इज एसआरके इज बिगेस्ट एंड आई प्रे टू गॉड दैट इट इज इज बिगेस्ट, बिकॉज यू नो इट्स आल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट। लाइक आई हैव अ होल लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु गॉन एंड सीन द थग्स। आई थिंक नॉट डूइंग स्टंट्स बट एंजॉयिंग माय सेल्फ, बट इट्स फैंटास्टिक। आई थिंक यू नो इट्स It's so connected to the earth and it's such a high that I'm looking forward to Mudskull 2. Off-roading, which is a fantastic sport, also a very safe sport because it's about skill driving and not about rash driving, and looking forward to it. I think track bada hai, a lot many more people, ATVs ke saath, jeeps, SUVs, sare gaadiyan hongi, ek alag experience hoga, pahadon pe hai. It's in Pauna, so looking forward to a very, very different look and feel. Are you doing a little bit of practice or maybe like, you know,
आई थिंक बचपन से यही करते आ रहे हैं यार, फिल्मों में भी यही करते आ रहे हैं, गाड़ी चलाना हो, एक्शन करना हो, खुद करना है, लेकिन ऑफकोर्स इसमें स्किल है, तो कभी कभार ट्रैक पे जाके ऑफकोर्स एक दिन पहले जाके ट्रैक को चेक करेंगे और देखेंगे कि व्हाट वर्क्स बेस्ट एंड हाउ इट वर्क्स बेस्ट। नहीं नहीं, मटस्कल डर्टी नहीं हुआ तो कीचड़ में उतर के अगर कीचड़ नहीं लगे तो कैसे चलेगा, लेकिन मज़ा आता है, बचपना याद आ जाता है, ऐसे लगता है कि यू नो यू बैक विद नेचर, क्योंकि स्किल ड्राइविंग है और जैसे मैंने कहा, और पिछली बार बारिश थी, पानी काफ़ी था, माहौल एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, तो इट वॉज़ ए गुड हाई। नहीं डिपेंड्स, बट दिस इज़ वन ऑफ द कार्स, लेकिन देखिए ATV चलाऊं, जीप चलाऊं, SUV चलाऊं, कौन सा चलाता हूं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे राइडर्स होंगे इस बार, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉपुलर स्पॉट, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी पॉपुलर हो जाएगी, और लास्ट टाइम के जो वीडियोस वायरल हुए उसके वजह से आई थिंक दिस टाइम बहुत सारे एंट्रीज है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आके हिस्सा लें। I think a lot of I heard that a lot of the young actors want to be come enjoy the rides. You know, it's not about being a part of it. It's coming, enjoying yourself, using those tracks and understanding it, because everybody has the big cars. Everybody loves riding the big cars, or everybody drives an SUV. Off-roading is something that is a different skill altogether. So I'm sure a lot of them this time, according to Sam and everybody, a lot of them this time are saying they want to be a part of it. I'm urging the general public and the boys who like off-roading to come in. When it comes to celebrities, I shy away a little bit, because you know everybody looks at it differently. So the invitation is open, but no special invitation to anybody as such. I think Subodh has been associated with me for a long, long time, and you know I've seen the boy work hard. Right from he was one among y'all, and then he's moved out, started his own ventures. And when you see kids from your industry whom you've seen grow in front of you, it's always a good feeling, and it's always good to support them. So that's how I actually got into Mudskull, and I'm glad that I'm a part of it today, because I'm enjoying it as much as probably the rest of them are. I don't think it's dangerous. I think it's a, like I said, it's a skill sport. But you have your safety gears. You have the cars that are safe. It's not about speed. It's about getting stuck somewhere. It's about getting stuck in the mud. Then you can get out of it. It's not about speed racing. You know, it's about completing the track. The momentum has to be right. Seeing the situation, whether there's oil, whether there's mud, whether it's excessive water. So it's the speed that you have to vary every time to get out of it, you know. So the skidding of the car, the eyes on the road. So I think it's very safe. Last question from Sahil. Sahil has also been a very smart person, actually, and he's always been, you know, what have you to say about him also? I mean, so anybody who's conscious about his health is someone I respect a hell of a lot. Because I believe, you know, everybody believes, अरे यार बॉडी शॉडी है तो लगता, बॉडी बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, और बॉडी को मेंटेन करना उससे भी बड़ी बात है. आदमी डिसिप्लिन क्या है, पेशेंस क्या है, कमिटमेंट क्या है, आई थिंक जो अपने आप को हेल्दी रखते हैं उसी उससे पूछे तो आप जानोगे. सो आई एम सो हैप्पी दैट साहिल इज़ डूइंग सो मच विथ स्पॉट, ही इज़ डूइंग सो मच विथ फिटनेस, ब्लेस देम. I love the trailer of Zero, and I think this is going to be one of Shah Rukh's biggest. I'm not saying it because the camera's in front of me, but I genuinely feel he's performed brilliantly. Jo attitude uska hai, you know, even because of his size, wo complex ke saath jab kisi ko ek attitude aati hai, wo nuances wo character ke capture ki hai. I think this is SRK's biggest, and I pray to God that it is his biggest. Because you know, it's also very unfortunate. Like, I have a whole lot of friends who've gone and seen The Thugs, and they've loved the film.
they're saying yaar paisa vasool hai jo size hai jo canvas hai एक्सपेक्टेशंस हमारे बहुत सारे बहुत ज़्यादा ही हो गए. हम सब अपने आप को क्रिटिक समझते हैं, सब समझते हैं कि हमको सब मालूम है एंटरटेनमेंट के बारे में. आई थिंक एक मौका देना चाहिए हमेशा हर फिल्म को कि वो रिलीज़ हो, ऑडियंस का रिएक्शन आवे, ना कि हम झपट के किसी को गिराने की कोशिश करें. तो हूएवर सीन इवन थग्स हैज लव द फिल्म. सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई देयर सच अ हुआ ट्राई एवरीथिंग. बट एज फार एज जीरो इज कंसर्न, I have a very strong feeling it's going to work magic. What's your next project? What's happening? There's a lot happening with me. I think the announcements will come. Time will tell. I took a break for 4 years. But I think for the next 40, I'm not going to keep quiet now. Thank you. Well, dosto, to dekha aapne, ye tha aaj ka hamara khaas program jisme humne aap sabhi ko dikhaya ki kis tarike se Sunil Shetty ne Aamir aur Amitabh Bachchan ki film Thugs of Hindustan ko support kiya hai aur unhe ye film kafi zyada pasand aayi hai. Lekin dosto, abhi filhal ke liye dijiye hame ijazat kyunki ab waqt ho gaya hai aap sabhi se vida lene ka aur is program ka yahi par the end karne ka. Par aap nirash na hoiye, ek baar fir lautungi isi program ke sath aur aise hi kuch dilchasp kisson ke sath. Tab tak के लिए अब बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ को.